मैं हूं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। कराची की आवाम को एक बड़ी खुशखबरी, ऑरेंज बस का इब्तिदा कर दिया गया है। चलते हैं बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी भी एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है उसी की तरह की है, और यहाँ पे इसकी टेक्निकलिटी तो आपको इंजीनियर बताएंगे, लेकिन जो सफरी सहूलियात मिलेंगी यहाँ के लोगों को, खासतौर पर औरंगी के और भी सेंट्रल के, वो बहुत ज़रूरी थी यहाँ पे, क्योंकि कोई बेहतर पब्लिक का ट्रांसपोर्ट निज़ाम है नहीं, और अब आ जाएगा तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और बल्कि सिर्फ ना यहाँ पे बल्कि ग्रीन लाइन भी तो सेंट्रल के अंदर खसूसी तौर पे दोनों लाइन सेंट्रल से गुजर रही हैं, और पीपल्स बस सर्विस के जो चार रूट्स हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। तो आई थिंक सेंट्रल के लोगों के लिए बहुत एक अपग्रेडेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमने कराची के अंदर एक और जो है वो बस सर्विस का आगाज़ किया। इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत थी, क्योंकि कराची को आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसको जो है वो इस तरह की रैपिड बस सर्विस की ज़रूरत है। इसको और एक्सटेंड करके दूर दराज के इलाकों में ले जाया जाए, ताकि कराची में जो महंगे घर हैं लोग बाहर की तरफ जाएँ, और ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो आसानी से शहर में काम करने के लिए आ सकें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा है, और इसको मजीद एक्सटेंशन की ज़रूरत है। सेम हमारे कराची के अंदर ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जैसे बम्बई के पास है, और हमें उसको कॉपी करना चाहिए। और वो अपने पाँव पे चलता है, उसकी अपनी जो है वो इनकम के ज़राए हैं, तो हमें उसको कॉपी करना चाहिए। और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ये करेगी और इसको और मजीद एक्सटेंशन देंगे, जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक बार फिर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बस मुख्तसरन कराची के शहरियों से गुजारिश करूंगा कि हुकूमत सिंध शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, और ट्रांसपोर्ट के हवाले से ताखीर ज़रूर हुई इन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन बिलाखिर पहले पीपल्स बस सर्विस और उसके बाद ये अब्दुलस्तारीदी लाइन का आगाज़ आज हो रहा है। कराची के शहरियों को इन बसों का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह वो अपनी किसी ज़ाती प्रॉपर्टी का रखते हैं। ये बसेस जो हैं वो लोगों के पैसों से, लोगों के टैक्सेस के पैसों से ली गई हैं। इन बसेस को आप जितना अच्छी तरह संभाल के रखेंगे, इनका ख्याल करेंगे, ये ज़्यादा अरसा चलेंगी और ये सहूलत कराची के शहरियों को देंगी। और अगर बदकिस्मती से इन बसों को शहरियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या अगर किसी और ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और लोगों ने उसको नहीं रोका या उनकी निशानदेही नहीं की, तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो शहरियों का होगा। वो एक अच्छी बस सर्विस से जो है वो फारिग हो जाएंगे और वो सहूलत इनको मैसर नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश है, ये आपकी बसें हैं, आपके लिए हैं, इनका ख्याल करें, इनका फ़ायदा उठाएं, ताकि ये देर तक चलती रहें और मजीद बसें भी आएं, और सिंध हुकूमत की हौसला अफजाई भी हो, ताकि एक अच्छी सहूलत लोगों को मिलती रहे। क्वालिटी के बेसिस पर जो जो रूट्स थे जहाँ पे इस वक्त ये बरसातों के बाद प्रॉब्लम्स हुए थे, वो रूट्स बन रहे हैं। मेरे पास डेली की बेसिस पे, मैं अभी भी अगर अपने मोबाइल चेक कराऊं कि मेरी डेली 8-10 पिक्चर्स आती हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उन सड़कों को बना रहा है, दिन रात जो है उन सड़कों पे काम मरम्मत का चल रहा है। वो एरियाज भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो आप खुद भी मेरे ख्याल से कराची में उन चीज़ों को वॉच करते होंगे। तो हमारी डेफिनेटली वजीर आला साहब ने ये कहा था, क्योंकि हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि चंद रोड ऐसे हैं जो कि बरसातों के बाद खराब हो गए हैं, वो बसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने जो है फौरी तौर पर कोई 1.5 अरब रुपए मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोग काम शुरू करें, और जो पैसे होंगे मजीद दरकार होंगे हम देंगे, लेकिन उन तमाम रोडों को मोटरेबल करें। तो वो सारे मोटरेबल रोड हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सारी जितनी भी बस सर्विस हैं आपको वहाँ रोड भी अच्छे मिलेंगे, बसें भी अच्छी मिलेंगी। लेकिन जितना सही साहब ने एक बात कही, कुछ कंप्लेंट ये भी आ रही है कि कुछ लोग जो उन बसों में बैठकर थोड़ा बसों को हल्की फुल्की शरारत करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, ये जैसा सही साहब ने कहा, ये आपकी बसें हैं। माशाल्लाह, ये कराची की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा जो हमारा सिंध है वो सैलाब के जद में आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत जो है कराची के आवाम के लिए ये बहुत बड़ा मनसूबा लेके आई है। इंशाल्लाह इसमें आवाम को बहुत सहूलियात होगी, और इससे बाकायदा कराची का जो ट्रैफिक है उसमें भी जो है आवाम को दुश्वारी नहीं होगी। उसमें ये जो है यहाँ से जाएगी और ग्रीन बस से जो है कनेक्ट होगी, और बोर्ड ऑफिस तक ये जो है लाइन जाएगी बाकायदा, और पूरा ये काम हो चुका है, और ये पूरे आवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है इंशाल्लाह। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।